राजस्थान से पूर्व भाजपा सांसद बहादुर सिंह कोहली ने कहा है कि वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान में भाजपा की सरकार बन पाना मुश्किल है। भरतपुर में गुरुवार को बहादुर सिंह कोहली ने कहा कि राजस्थान में भाजपा का नेतृत्व अगर वसुंधरा के हाथ में होता तो अशोक गहलोत सरकार पिछले साल ही गिर गई होती। कोहली ने कहा कि अब गहलोत सरकार नहीं गिर सकती क्योंकि सचिन पायलट गुट के कई विधायक गहलोत के संपर्क में हैं। बहादुर सिंह कोहली ने कहा कि राज्य में भाजपा आक्रामक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकी है। कोहली ने कहा कि अभी जिनके हाथ में राजस्थान भाजपा की कमान है वो खुद को सीएम उम्मीदवार मान रहे हैं, जबकि राजस्थान में भाजपा से मुख्यमंत्री के लिए एकमात्र चेहरा वसुंधरा है। गौरतलब है कि राजस्थान भाजपा में तकरार और खींचतान बढ़ती ही जा रही है। एक दूसरे के खिलाफ नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय के बाहर लगे होर्डिंग से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तस्वीर हटाए जाने के बाद उनके समर्थकों में नाराजगी है। वसुंधरा के समर्थक इस पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जता रहे हैं। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि राजस्थान में वसुंधरा राजे से बड़ा कद किसी भाजपा नेता का नहीं है। राजस्थान हमें वसुंधरा ही भाजपा और भाजपा ही वसुंधरा है। इतने बड़े नेता को जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दो बार मुख्यमंत्री रही हों, दो बार प्रदेश की अध्यक्ष रही हों, मौजूदा समय में लगातार कंटिन्यू दो बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हों, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? वसुंधरा जी के बिना भारतीय जनता पार्टी राज में आ जाएगी ये संभव नहीं है। वसुंधरा जी के बिना पार्टी का क्या अस्तित्व है ये कोई लॉजिकल सवाल नहीं है। पार्टी पुरानी है, जनसंघ के समय से चल रही है, लेकिन आज जिस प्रकार की परिस्थितियां राजस्थान में बनी हुई है, वसुंधरा जी को माइनस करके राजस्थान में राज लाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल। सबको समझ में आना चाहिए उनके नेतृत्व के बगैर राजस्थान में राज आना बहुत नामुमकिन है। किस औची मानसिकता से इतने बड़े नेता के फोटो हटाए गए?